हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कंटिन्यू करेंगे अभी एक्सरसाइज 1.4 को, ठीक है। सो एक्सरसाइज 1.4 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक देखा है। सो क्वेश्चन नंबर 2 किसके ऊपर डिपेंड था? कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड था, ठीक है ना। तो कंटिन्यू करते हैं, अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को रिवाइज भी करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या पूछा है हमें। क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अगर ओमेगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो नीचे दिए गए एक्सप्रेशंस के वैल्यूज निकालिए। अब इस बात का मतलब समझना जरूरी है कि ओमेगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इसका मतलब क्या होता है। तो बेटा हम लोगों ने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा था, अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या होता है, तो ये उसी के अंदर छिपा हुआ है। हमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब पता है, क्या होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब, तो यूनिटी मतलब वन का हम लोग क्यूब रूट निकालने जा रहे हैं। अब क्योंकि हमें वन का क्यूब रूट निकालना है पता नहीं है, इसलिए हम लोग उसका क्यूब रूट एक्स मानते हैं। सो क्यूब रूट ऑफ वन हम लोगों ने कंसिडर किया एक्स। अब क्या किया था हम लोगों ने, नेक्स्ट हमने दोनों साइड का क्यूब लिया था। सो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स का हम लोगों ने क्यूब ले लिया, तो हमें क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड का क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट में बचा वन और राइट में एक्स का क्यूब बन गया। वन को राइट हैंड साइड में ले गए तो हमें मिला एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको हमें सॉल्व करना है, क्योंकि हमें एक्स के वैल्यूज निकालने हैं। एक्स का वैल्यू क्यों निकालना है, क्योंकि एक्स क्या है, एक्स है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमें निकालना है इसलिए एक्स निकालना पड़ेगा। अब एक्स के वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वन क्यूब, और हमें पता होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टराइजेशन फॉर्मूला क्या है, कैसे इसको फैक्टराइज किया जा सकता है, तो इन वन ब्रैकेट एक्स माइनस वन इन अनदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन विच इज इक्वल टू जीरो। सो मैथमेटिक्स की दुनिया में जब दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन जीरो आता है तब उनमें से कम एक तो जीरो होना ही चाहिए, अदरवाइज जीरो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लीकेशन जीरो आ रहा है, मतलब हम लोग लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज आइदर एक्स माइनस वन इज जीरो और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज जीरो। या तो x माइनस वन जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा। सो अगर x माइनस वन जीरो है तो x का वैल्यू आपको मिल रहा है वन, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे फॉर्मूला मेथड से। तो यहाँ पर अगर फॉर्मूला मेथड अप्लाई किया जाएगा तो आपको पता है ये हम लोगों ने बेसिकली हमने देखा है, मैं बस रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। तो इसके रूट्स क्या आते हैं, एक्स इज इक्वल टू आता है माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा बाय टू, और दूसरा रूट आता है एक्स इज इक्वल टू माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा बाय टू। तो आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कौन कौन से आ गए, आपको एक तो वैल्यू मिला ये, दूसरा ये और तीसरा ये वन टू एंड थ्री आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। मतलब जब आप वन का क्यूब रूट निकालने जाएंगे तो उसका क्यूब रूट कौन कौन है, वन खुद है, फिर ये एक है और ये दूसरा है, ऐसे थ्री क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जब आप वन का क्यूब रूट निकालते हो तो उसके अंदर का एक रूट जो है वो रियल नंबर है और बाकी बचे दो जो रूट्स है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इन्हीं दोनों को कहा जाता है, इन दोनों को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। समझ आई बात, मैं आपको इस सेंटेंस का, इस फ्रेज का मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या होता है। सो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब होता है ये, मतलब इन दो रूट्स की बात की जा रही है। वन यानी यूनिटी, यूनिटी के थ्री रूट्स है, लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट बोलते हैं, जब हम सिर्फ ऐसा बोलेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तब हम लोगों को इन तीनों को भी कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। लेकिन जब हम ऐसा बोल रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तब हम लोग इन दोनों को कंसिडरेशन में लेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या दिया गया है, ये दिया गया है कि ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा को कहा गया है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब आपको पता है कि ये दोनों भी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है और हम लोगों ने इन दोनों में से एक को ओमेगा बोला है, तो आप कोई भी एक को ओमेगा बोलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली मुझे जो बताना था वो खत्म हो चुका है, कि मुझे बताना था कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब इन दोनों की बात होती है, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है कि ओमेगा जो है वो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर ओमेगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो आप ओमेगा को लिख सकते हो माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा बाय टू, तो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा बाय टू।
ये कैसे ही है मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसीलिए रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ये ओमेगा है और मैं अगर इसका स्क्वायर करता हूँ तो मैं इसको ओमेगा स्क्वायर लिखूँगा, लेकिन इसका स्क्वायर क्या आता है तो ये आता है। सिमिलरली अगर आप इसको ओमेगा कहते हो और इसका स्क्वायर लेते हो तो आपको ये मिलेगा। सो दोनों में से किसी भी एक को ओमेगा कहेंगे तो दूसरा अपने आप ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरीके से आपके ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है जिसको आपने ओमेगा कहा है। चलिए अब हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ भी देखी थी कि अगर ओमेगा, देखो ओमेगा तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, लेकिन हमारे पास प्रॉपर्टी में क्या था। सबसे पहली बात ये थी कि जो हमारे थ्री रूट्स आए थे वो कौन से इक्वेशन के रूट्स थे, तो वन, ये वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों भी किसके रूट्स है, ये तीनों भी एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन के ये तीनों रूट्स है। और अगर ये तीनों इस इक्वेशन के रूट्स है तो इसका मतलब है कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर मैं ओमेगा को इसके अंदर डालता हूँ तो मुझे मिलेगा ओमेगा क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ओमेगा इस इक्वेशन का रूट है तो ओमेगा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आपको ओमेगा क्यूब का वैल्यू मिल रहा है वन। तो ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप इस तरीके के एग्जाम्पल को सॉल्व करते हो। सो ओमेगा क्यूब का वैल्यू आपको मिला है वन। अब एक और चीज़, जब हम लोगों ने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकाले थे, यूनिटी के क्यूब रूट्स निकाले थे, तब हमने इसको फैक्टराइज किया था। तो दो फैक्टर्स में के एक फैक्टर था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, और इस इक्वेशन के ये दो रूट्स है, इस इक्वेशन के ये दो रूट्स है। तो इसका मतलब क्या, अगर ओमेगा को आप इस एक्स की जगह पर, क्योंकि ओमेगा इसका रूट है इस इक्वेशन का, तो ओमेगा इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है कि ओमेगा को अगर आप एलएचएस में डालेंगे तो आपको आरएचएस मिलेगा। दैट मीन्स वी कैन सब्स्टिट्यूट ओमेगा इन प्लेस ऑफ एक्स। सो आप लोग एक्स की जगह पर ओमेगा को रखिए तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये दो रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर टू देखा था, उसी के टाइप का ये क्वेश्चन है, बस इसके अंदर आपको वैल्यूज़ निकालने हैं, वहाँ पर आपको चीज़ों को प्रूव करना था, ठीक है ना। लेकिन सेम टाइप के कैलकुलेशंस थे। तो जब भी ओमेगा से रिलेटेड, मतलब कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड एग्जांपल्स पूछे जाएंगे, तब आपको ये दो रिलेशन ध्यान में होना चाहिए। एक कि ओमेगा क्यूब का वैल्यू वन आता है, और दूसरा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन का वैल्यू जीरो आता है, ठीक है बेटा। चलिए तो इन दोनों चीज़ों को दिमाग में रखेंगे और इन फाइव एग्जाम्पल को अभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको अभी हटा देता हूँ और सिर्फ नतीजा लिखता हूँ यहाँ पर। तो ये यहाँ पर टू आएगा, और हमारे पास क्या है, हमारे पास रिलेशन है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन, और वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये दो रिलेशंस है। अब इस रिलेशन से आप कई सारे चीज़ों को ऑब्टेन कर सकते हो, लेकिन वो रिक्वायरमेंट ऑफ सॉल्यूशन, आपको जो भी क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से आप इससे वैल्यूज ऑप्टेन करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं, ओमेगा प्लस वन बाय ओमेगा का आपको वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हो तो पहला जो नंबर है उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब वन है। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूँगा तो ओमेगा इंटू ओमेगा बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, प्लस वन इंटू वन बन जाएगा वन, और डिवाइडेड बाय वन इंटू ओमेगा, दैट इज ओमेगा। सो अब आपको वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलेगा। अब वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आप कहाँ से लेंगे, तो इस रिलेशन से। कैसे, देखिए वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो ओमेगा को राइट हैंड साइड में भेजिए, तो इस रिलेशन से आपने वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू लिखा माइनस ओमेगा। दैट मीन्स वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर माइनस ओमेगा को रिप्लेस किया जा सकता है। सो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर मैं माइनस ओमेगा को रिप्लेस करूंगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास ओमेगा है। सो बेटा ये तो सस्ते में निकल जाएंगे, तो बचेगा क्या, माइनस वन। तो इस तरीके से आपने इसका वैल्यू निकाला, ठीक है। और अगर आपके पास ये रिलेशन आपको याद नहीं होते तो आप इसका वैल्यू निकालते कैसे, नहीं पॉसिबल था। चलिए क्वेश्चन नंबर टू की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर टू में क्या दिया है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यू प्लस ओमेगा रेस टू फोर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे बेटा, हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले देखना है कि सबसे छोटा वाला पावर कौन सा है। देखो तीनों में भी ओमेगा प्रेजेंट है, और इसमें टू जो है वो सबसे लीस्ट पावर है, तो उसको आप लोग कॉमन निकाल सकते हो, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी है, बल्कि यहाँ पर तो पावर ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर ऑब्वियसली ओमेगा स्क्वायर आपको मिल सकता है। तो आप इन तीनों में से ओमेगा स्क्वायर को बाहर निकालिए, तो फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट टर्म पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ पर बचेगा वन, प्लस सेकेंड टर्म में से सिर्फ ओमेगा स्क्वायर बाहर आया है तो यहाँ पर क्या बचेगा, ओमेगा बचेगा, प्लस यहाँ से क्या बाहर आया है, ओमेगा स्क्वायर बाहर आया है, तो क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर बचेगा। अब बेटा रिलेशन की तरफ देखिए, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, और वो कितना है, जीरो है। सो ओमेगा स्क्वायर इंटू ये जीरो। अब मैथ्स की दुनिया में
जीरो को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो, जीरो उसको खुद में समा लेता है ना, तो जीरो इंटू एनीथिंग बन जाता है जीरो, तो इसका आंसर आ जाएगा जीरो। तो इस वाले का वैल्यू क्या मिला आपको, जीरो वैल्यू मिला। ठीक है, तो आप लोग पॉज करके वीडियो को इसको लिखेंगे, मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर क्या दिया है मुझे, क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब निकालना है मुझे, ठीक है, होल रेस टू थ्री है। अब वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब निकालना है, तो भैया मैं इतना पागल नहीं हूँ कि इसको एक्सपांड करूँगा और फिर इसकी वैल्यू निकालूंगा, हाँ बिल्कुल नहीं। तो मेरे पास वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू इस रिलेशन से मिल सकता है, और वो क्या है, माइनस ओमेगा है। सो मैं वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर माइनस ओमेगा को रिप्लेस करूँगा, सो माइनस ओमेगा को मैंने यहाँ पर रिप्लेस किया उसका क्यूब। अब देखिए नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव ही आता है, ये तो बेसिक चीज़ आपको पता है। सो यहाँ पर नेगेटिव नंबर है तो उसका क्यूब आएगा नेगेटिव, और ओमेगा का क्यूब आएगा ओमेगा क्यूब। अब ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है वन, सो इस ओमेगा क्यूब की जगह पर वन को लिखेंगे क्योंकि ओमेगा क्यूब का वैल्यू वन है। सो नेगेटिव और ये वन, सो वैल्यू आएगा माइनस वन, इसका वैल्यू आया माइनस वन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर, फोर्थ के अंदर क्या दिया है, वन माइनस ओमेगा स्क्वायर और उसका क्यूब प्लस वन माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल रेस टू थ्री। ठीक है, अब बेटा हमारा जो रिलेशन है उसके अंदर तो सब जगह एडिशन ही एडिशन दिख रहा है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव है, तो आप लग सकता है कि यार रिलेशन कैसे यूज़ करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, बस कॉमन लेना है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जो को पहला ब्रैकेट देखिए आप लोग, पहले ब्रैकेट में आप वन को एज इट इज़ रहने दीजिए और इन दोनों में से नेगेटिव को कॉमन लीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये होल रेस टू थ्री एज इट इज़। यहाँ पर क्या कर सकते हो आप लोग, इन दोनों को साथ में लिखिए ताकि आपका विजन क्लियर हो जाएगा कि मैं यहाँ पर रिप्लेसमेंट किसका करूँ। ये इन दोनों को साथ में सिर्फ विजन क्लियर कराने के लिए लिखा है मैंने, मतलब क्या कि वन अगर देखो ये दूर दूर लिखे हैं तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं उनका ध्यान ही नहीं जाता कि यार मैं वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर इस रिलेशन से कुछ रिप्लेस कर सकता हूँ, तो मैंने उसको नज़दीक लिख दिया। अब वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर मैं लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा, ठीक है, सो यहाँ पर रिप्लेसमेंट आएगा माइनस ओमेगा का, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, तो देखिए रिलेशन को, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो वन को राइट में भेज दीजिए, तो वह ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू मुझे मिलेगा माइनस वन। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू मैं यहाँ पर लिखता हूँ माइनस वन, सो यहाँ पर आएगा माइनस वन रेज टू थ्री प्लस वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है माइनस ओमेगा, सो माइनस ओमेगा रेज टू थ्री। अब ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है, सो एक सेकंड, हाँ इसमें से माइनस कॉमन निकाला तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बचा, इसका वैल्यू आता है माइनस वन, ठीक है, सो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो टू का क्यूब आएगा प्लस माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा, माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा क्या आता है, माइनस टू ओमेगा, ठीक है ना, सो माइनस टू ओमेगा का क्यूब करना है, तो आपको तो पता है बेटा नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव आता है, यहाँ पर टू क्यूब आएगा एट और प्लस इंटू माइनस, सॉरी ये प्लस एज इट इज रहेगा, माइनस टू का क्यूब मैं लूँगा दैट इज़ माइनस एट, माइनस टू का क्यूब आएगा माइनस एट और ओमेगा क्यूब रहेगा। अब ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना है, वन है, सो माइनस एट इंटू वन बन जाएगा माइनस एट, प्लस इंटू माइनस बन जाएगा माइनस, सो एट माइनस एट आ जाएगा जीरो। समझ आई बात, सो क्वेश्चन नंबर फोर इसका वैल्यू आ रहा है जीरो। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव, तो आप लोग पॉज करो वीडियो को और इसको लिख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। क्वेश्चन नंबर फाइव के अंदर क्या दिया है, वन प्लस ओमेगा इंटू वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू वन प्लस ओमेगा रेस टू फोर इंटू वन प्लस ओमेगा रेस टू एट। अब बेटा आपको पता है ओमेगा का पावर कितना भी रहने दो, हम लोग उसको रेड्यूस करके उसका वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर कम पावर में ला सकते हैं। कैसे, हमें पता है ओमेगा रेस टू थ्री का वैल्यू वन आता है, ठीक है ना, तो उस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। जैसे ओमेगा रेस टू फोर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा रेस टू फोर को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, सो ओमेगा क्यूब का वैल्यू तो वन है, सो वन इंटू ओमेगा आपको मिल जाएगा ओमेगा। तो इस तरीके से ओमेगा रेस टू फोर की जगह पर आएगा सिर्फ ओमेगा। अब ओमेगा रेस टू एट लिखना है, सो ओमेगा रेस टू एट को क्या लिखेंगे आप लोग, आपके पास ओमेगा रेस टू फोर का वैल्यू ऑलरेडी ओमेगा है, सो ओमेगा रेस टू एट को आप लिख सकते हो ओमेगा रेस टू फोर होल स्क्वायर।
क्योंकि ओमेगा रेस टू फोर का आपके पास वैल्यू है, तो वो ब्रैकेट के अंदर रखो, दैट इज ओमेगा, और ब्रैकेट के बाहर है स्क्वायर, सो ओमेगा स्क्वायर, सो ओमेगा रेस टू एट की जगह पर आप ओमेगा स्क्वायर रख दो, ठीक है। सो आपको मिल क्या रहा है, वन प्लस ओमेगा इंटू वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू वन प्लस ओमेगा रेस टू फोर की जगह पर आप लिखेंगे वन प्लस ओमेगा, और वन प्लस ओमेगा रेस टू एट की जगह लिख रहे हो ओमेगा स्क्वायर। अब वन प्लस ओमेगा का वैल्यू क्या लिख सकते हो आप लोग, वन प्लस ओमेगा, सो वन प्लस ओमेगा का वैल्यू आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि आपको वन प्लस ओमेगा का वैल्यू निकालना है, तो इसको राइट में भेज दीजिए, तो ये पॉजिटिव है तो उधर जाके नेगेटिव बनेगा, सो वन प्लस ओमेगा का वैल्यू आपको मिलेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है आपके पास माइनस ओमेगा इंटू वन प्लस ओमेगा का वैल्यू अभी निकाला था माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आपके पास माइनस ओमेगा। तो ये चार नेगेटिव साइन है तो बन जाएंगे पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, सो अल्टीमेटली फाइनल साइन आएगा पॉजिटिव, लिखने की जरूरत नहीं। अब पावर का एडिशन, टू प्लस वन थ्री प्लस टू फाइव प्लस वन सिक्स, सो डब्ल्यू सॉरी ओमेगा रेस टू सिक्स आपको मिल रहा है, ओमेगा रेस टू सिक्स को आप लिख सकते हो ओमेगा क्यूब रेस टू टू, ओमेगा क्यूब का आपको वैल्यू पता है वन, सो वन स्क्वायर आएगा वन। तो इस तरीके से इस वाले एक्सप्रेशन का वैल्यू आएगा वन, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर थ्री यहाँ पर कंप्लीट किया है। चलिए तो आप लोग पॉज करके इसको लिखेंगे, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर क्या दिया है बेटा, क्वेश्चन नंबर फोर में आपको क्या कहा गया है, यहाँ पर भी बात हो रही है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की। अब कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब आप लोगों को ऊपर मैंने समझा दिया है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या, यूनिटी मतलब वन, वन के क्यूब रूट्स, लेकिन कौन से, कॉम्प्लेक्स वाले, क्योंकि हमें पता है कि वन के क्यूब रूट थ्री आते हैं, एक आता है रियल और दो आते हैं कॉम्प्लेक्स, तो वो बात कर रहे कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, तो ये दोनों वो रूट्स है। लेकिन यहाँ पर सिनेरियो कुछ अलग है, क्या कहा जा रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब आपको पता है कि यूनिटी के दो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स होते हैं और उन दोनों को उनका कहना है कि आप अल्फा एंड बीटा कहो, ठीक है। तो वो खुद कह रहे हैं कि अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो हम लोग क्या करेंगे, चुपचाप एक रूट को अल्फा बोलेंगे और दूसरे रूट को बीटा बोलेंगे, ठीक है। अब अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है तो अब वो कहते हैं कि नीचे दिए गए दो मैथमेटिकल इक्वेशंस को प्रूव कीजिए। अब मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे प्रूव किया जाता है, तो आप LHS या RHS दोनों में से एक लेते हो और दूसरी साइड लाके दिखाते हो। तो आप अगर यहाँ पर LHS सेलेक्ट करेंगे तो आपको RHS दिखाना पड़ेगा, और यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी कि आप LHS ही ले सकते हो, क्योंकि RHS क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि RHS लेंगे तो LHS लाएंगे कैसे, जीरो से किसी भी चीज़ को ऑप्टेन करना बहुत मुश्किल है ना। तो आप LHS ले सकते हो, कैलकुलेशंस करके उसको जीरो में कन्वर्ट कर सकते हो। तो हम लोग अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर हमें जो भी दिखाना है, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, तो इनको कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज़ों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर ये दोनों आपके रूट्स है तो आपको इन दोनों का सम निकालना पड़ेगा और इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, मतलब आपको सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना पड़ेगा। सो आप लोगों को अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा और अल्फा इंटू बीटा कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा आप लोग अब क्यों करना है ये मैं आपको बता देता हूँ जब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो जब भी आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तब आपको इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट लगने वाली है, तो आप इसको सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करेंगे तभी भी इसको निकाल सकते हो, और आपको समझ में आता है कि इसको निकालने के लिए आसान है कि हम इनकी वैल्यू पहले निकाल लें, क्योंकि दोनों में भी इस्तेमाल होने वाला है तो आप पहले निकाल लो। तो हम लोग पहले निकाल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों रूट्स का एडिशन ले रहे हैं अल्फा प्लस बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो मेरे पास अल्फा है माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा बाय टू, और बीटा है मेरे पास माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा बाय टू, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लेंगे और न्यूमरेटर का एडिशन करेंगे, दैट इज रूट थ्री आयोटा माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा। अब न्यूमरेटर में देख रहे हो आप, ये और ये लाइक टर्म है, रूट थ्री आयोटा रूट थ्री आयोटा, दोनों का साइन डिफरेंट है तो दोनों चले जाएंगे। अब बचेगा क्या आपके पास, माइनस वन माइनस वन, सो माइनस वन माइनस वन क्या होता है, माइनस टू, सो माइनस टू डिवाइडेड बाई टू आपको मिलेगा माइनस वन, सो सम ऑफ द रूट्स आपको मिल रहा है माइनस वन, ठीक है बेटा। आपने कैलकुलेट कर लिया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, तो मैं यहाँ पर इसको साइड में लिख देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा आ गया आपका माइनस वन। अब हमें कैलकुलेट करना है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू,
सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अल्फा क्या है बेटा मेरे पास माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा बाय टू, इंटू बीटा क्या है मेरे पास माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा बाय टू, ठीक है। तो आप लोग क्या कर रहे हो, देखो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, रैशनल का मल्टीप्लिकेशन, ऊपर का मल्टीप्लिकेशन ऊपर नीचे का नीचे, सो नीचे तो टू इंटू टू बन जाएगा फोर, लेकिन ऊपर को थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करो, माइनस वन को ए कंसिडर करो तो ये भी ए बन जाएगा, इसको बी मान लीजिए तो ये भी बी बन जाएगा, क्योंकि आप रूट थ्री आयोटा को बी मान रहे हो। सो ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, सो ए प्लस बी और ए माइनस बी आपके पास है, सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ए का मतलब है माइनस वन, सो माइनस वन का स्क्वायर और माइनस रूट थ्री आयोटा का स्क्वायर, समझ रहे हो बात को, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको हम लोग क्या लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ये माइनस वन का स्क्वायर माइनस रूट थ्री आयोटा का स्क्वायर, माइनस वन का स्क्वायर तो बेटा वन होता है, माइनस रूट थ्री का स्क्वायर बनेगा थ्री और आयोटा का स्क्वायर बनेगा माइनस वन डिवाइडेड बाय फोर, ठीक है। सो इसका मैंने स्क्वायर किया, रूट थ्री आयोटा का स्क्वायर कैसे आएगा, रूट थ्री का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर, तो रूट थ्री का स्क्वायर मतलब स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल तो थ्री बचे और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस वन, सो वो आएगा माइनस थ्री, मतलब थ्री इंटू माइनस वन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, सो ये माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस, सो आपके पास है वन प्लस थ्री बाय फोर, दैट इज नथिंग बट वन, वन प्लस थ्री फोर आता है, फोर फोर कैंसिल हो गया वन बचेगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने सम ऑफ द रूट यहाँ पर निकाला है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाला है, ठीक है बेटा। तो सम ऑफ द रूट्स आता है आपका माइनस वन एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट आता है प्लस वन, तो ये दो वैल्यूज निकालने जरूरी है ताकि आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आ चुका है, तो मैं अब इसको हटा देता हूँ, इसको आप पॉज करके लिख लो, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ अभी और आगे बढ़ेंगे हम लोग जो हमें प्रूव करना है उसकी तरफ। अब जो प्रूव करना है उसको देखते हैं, क्या प्रूव करना है, ए के अंदर मुझे फर्स्ट के अंदर क्या प्रूव करना है, जो भी प्रूव करना है उसको मैं एल एच एस मान लेता हूँ, मतलब एल एच एस है ही वो, हमने एल एच एस लिया है, दैट इज़ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा एल एच एस है। अब बेटा यहाँ पर मेरे पास अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है, देखो अगर मान लीजिए मैं सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट नहीं निकालता और मुझे इसका वैल्यू निकालना है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन होता, मैं अल्फ़ा का स्क्वायर करता, ठीक है। तो अल्फ़ा का स्क्वायर क्या आता बेटा, ये आता, क्योंकि आपको पता है कि इसका स्क्वायर ये आता है और इसका स्क्वायर ये आता है, तो अल्फ़ा का स्क्वायर मतलब आप लोग इसका वैल्यू लिखते, बीटा का स्क्वायर मतलब आप लोग इसका वैल्यू लिखते और अल्फ़ा इंटू बीटा का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते, तो ये एक तरीका था आपके पास। दूसरा, आप अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप और सिंपल तरीके से लिख सकते हो, कैसे, देखिए आपको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखना है, लेकिन लिखना है इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को रिप्लेस करना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, सो अल्फा स्क्वायर सॉरी सो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर ही लिख देता हूँ मैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या आता है बेटा, ये तो आपको भले बात अब पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस टू टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये आता है इसका होल स्क्वायर। अब आपको चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू, सो टू अल्फा बीटा को आप लेफ्ट में शिफ्ट कीजिए तो क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो ये वैसे भी बहुत जगह पर यूज़ होता है मैथमेटिक्स में, ठीक है ना, तो ये एडजस्टमेंट बहुत जगह पर यूज़ होता है, इसको ध्यान में ही रखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप लिख सकते हो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, ठीक है। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर मैं ये रिप्लेस कर सकता हूँ। अब इसकी जगह पर ये रिप्लेस करेंगे तो उसके लिए आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता होना जरूरी है और इसलिए हम लोगों ने पहले ही उसको कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो चलिए अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर मैं इसको रिप्लेस करता हूँ तो मुझे मिलेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स अल्फा बीटा। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर मैंने इसको रिप्लेस किया और ये प्लस अल्फा बीटा एज इट इज रहेगा। सो दिस इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बेटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है माइनस वन, सो माइनस वन होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है वन। वैसे भी आप माइनस टू अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा को माइनस अल्फा बीटा लिख सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, प्लस वन। सो अल्फा बीटा का वैल्यू वन है जो मैंने यहाँ पर लिखा है। सो माइनस वन का स्क्वायर क्या आएगा, किसी भी नंबर का पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उसका स्क्वायर पॉजिटिव आता है, माइनस वन का स्क्वायर आया वन और ये टू, टू इंटू वन आएगा माइनस टू प्लस वन, सो वन प्लस वन टू, टू माइनस टू जीरो, और यही हमारा आर एच एस है। इसी को तो हम प्रूव करना चाहते थे, एल एच एस हमने लिया था और इसका वैल्यू जीरो आता है, यही तो हमें प्रूव करना था,
समझ में आई बात? चलिए पॉज करिए और इसको लिख लीजिए। अब इस एडजस्टमेंट को अच्छे से ध्यान में रखना है आपको, ठीक है? तो मैं हटा रहा हूँ अभी इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, दैट इज सेकंड क्वेश्चन बी। LHS हमारा दिया हुआ है अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4 प्लस अल्फा रेस टू माइनस 1 इंटू बीटा रेस टू माइनस 1। अब बेटा अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4 का एडजस्टमेंट करना है इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, अल्फा रेस टू 4 को आप लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर रेस टू स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप स्क्वायर लिख सकते हो। तो अब इसका एडजस्टमेंट कैसे किया जा सकता है, या फिर इसको ऐसे रहने देते हैं, हम लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर लेते हैं। तो इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर मतलब बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। सो अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर आपको मिलेगा अल्फा रेस टू 4 प्लस टू टाइम्स अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर प्लस बीटा रेस टू 4। तो बेटा आपको अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4 का वैल्यू चाहिए, तो इसको आप लेफ्ट में भेज दीजिए। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रेस टू 2 माइनस, इसको आप लेफ्ट में भेजेंगे तो 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मिलेगा विच इज इक्वल टू अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4। सो अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4 का एडजस्टमेंट आप लोगों ने देख लिया, इस तरीके से आता है। तो इसकी जगह पर इसको रिप्लेस करेंगे और देखते हैं क्या मिलता है। सो अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4 की जगह पर इसको रिप्लेस किया तो आपको मिला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल रेस टू 2 माइनस 2 अल्फा। अब देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को आप अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने इसकी जगह पर इसको रिप्लेस किया और जो बचा हुआ है, अब ये अल्फा रेस टू माइनस 1 और बीटा रेस टू माइनस 1 क्या होता है, अल्फा रेस टू माइनस 1 इंटू बीटा रेस टू माइनस 1। अल्फा रेस टू माइनस 1 को लिखेंगे 1 बाय अल्फा, बीटा रेस टू माइनस 1 को लिखेंगे 1 बाय बीटा। सो 1 इंटू 1 1 और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में। सो यहाँ पर प्लस अल्फा रेस टू माइनस 1 इंटू बीटा रेस टू माइनस 1 को आप लिख सकते हो 1 बाय अल्फा इंटू बीटा, ठीक है? देखिए अब फिर से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखना है, ये एडजस्टमेंट हम लोगों ने देखा था। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इसको मैंने लिख दिया होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा होल स्क्वायर प्लस 1 बाय अल्फा इंटू बीटा, ठीक है बेटा? तो बस अब वैल्यूज रखनी है। सो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आता है 1 माइनस 1, सो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आता है 1, सो 1 रख दिया और होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आता है 1, सो 1 का स्क्वायर प्लस 1 बाय अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 1। सो फाइनली आपको क्या मिला, इसको हटा देते हैं, इसका काम हो चुका है। फाइनली आपको मिल रहा है माइनस 1 का स्क्वायर आएगा 1 माइनस 2 माइनस 2 होल स्क्वायर। यहाँ पर 1 का स्क्वायर आएगा 1, 2 इंटू 1 दैट इज माइनस 2, माइनस 2 इंटू 1 दैट इज माइनस 2 और ये 1 बाय 1 मतलब 1 प्लस 1। सो 1 माइनस 2 है माइनस 1, सो माइनस 1 का स्क्वायर आएगा 1 और ये है माइनस 2 प्लस 1, तो वैल्यू क्या आएगा 0। और यही है हमारा RHS जो हमें प्रूव करना था। सो इस